कक्षा 7 मैं कक्षा 7 संस्कृत द्वितीय सत्र संस्कृत द्वितीय सत्र का चैप्टर नंबर 5 योजक दुर्लभ योजक तत्र दुर्लभ यानी वहाँ योजक मिलना मुश्किल है वहाँ योजक मिलना मुश्किल है ये पाठ मैं इस वीडियो में समझाऊंगी। चैप्टर नंबर 5 है योजक तत्र दुर्लभ इसका अर्थ होगा वहाँ योजक मिलना मुश्किल है। इस पाठ में प्राणी मात्र में होश देते ही है प्राणी मात्र में दोष देते ही है परंतु प्रत्येक प्राणी में गुण भी होते हैं। हमें व्यक्ति के गुणों का विचार करना चाहिए। इस कहानी में क्या बताया गया है विद्यार्थियों इस कहानी में ऊंट और अन्य प्राणियों की बातचीत से यही बात समझाई गई है। तो हम इसमें आगे पढ़ते हैं योजक तत्र दुर्लभ में जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ योजक मिलना मुश्किल है। इसमें इस पाठ की कहानी मैं आपको समझा रही हूँ कि इस पाठ में ऊंट है वह सारे प्राणियों में दोष निकालता है। तोते को बोलता है तुम्हारी चोंच टेढ़ी है कुत्ते को बोलता है तुम्हारी पूंछ टेढ़ी है बगले को बोलता है तुम्हारी गर्दन टेढ़ी है और भी इसमें प्राणी दिए हुए हैं। सियार को बोलता है तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है ना फिर ऐसे करके ये सारे प्राणियों में दोष निकालते जाता है। तो मैं वही आपको इस पाठ में समझाऊंगी। सबसे पहले पैराग्राफ ये है कि एक उष्ट अस्थि एक ऊंट है क्या है एक ऊंट है उष्ट स्वाभाविक वक्र अस्ति उष्ट स्वाभाविक वक्र अस्ति। ऊंट का स्वभाव कैसा है तो ऊंट का स्वभाव टेढ़ा है वक्र यानी टेढ़ा दोष दृष्टा है दोष निकालने वाला है। स सर्वदा दोषम एव पश्यति स सर्वदा वह हमेशा दोष ही देखता है वह हमेशा दोष ही देखता है। एकदा स वने अटति एक बार वह जंगल में भ्रमण कर रहा था घूम रहा था क्या कर रहा था तो घूम रहा था मार्गे सह वृक्षस्य उपरि एकम सुकम पश्यति सुकम पश्यति मार्गे यानी रास्ते में वह पेड़ के ऊपर एक तोता देखता है क्या देखता है तोते को देखता है। मार्गे सह वृक्षस्य उपरि एकम सुकम पश्यति रास्ते में वह एक वृक्ष के ऊपर एक तोता देखता है। उष्ट सुकाय कथति ऊंट तोते से कहता है क्या कहता है ऊंट तोते से कहता है हे सुप तव चक्षु वक्रा अस्ति हे तोते तुम्हारी चोंच टेढ़ी है क्या कहता है वह तोते से कि हे तोता तुम्हारी चोंच टेढ़ी है। तो तोता क्या करता है सुका लज्जा अनुभवती तोता लज्जा अनुभव करता है क्या करता है वह तोता शर्म महसूस करता है। उष्ठा हसती अग्रे चलती ऊंट हंसता है और आगे जाता है क्या करता है ऊंट हंसता है और आगे जाता है। आगे है मार्गे सह कुक्कुरम पश्यति रास्ते में वह एक कुत्ते को देखता है क्या देखता है तो कुत्ते को देखता है। उष्ठा कुक्राय कथति ऊंट कुत्ते से कहता है क्या कहता है हे कुक्कुरम यानी हे कुत्ते
तव पुच्छम वक्रम अस्ति, तुम्हारी पूछ टेढ़ी है। क्या है? तुम्हारी पूछ टेढ़ी है। कुकुरा लज्जा अनुभवती, कुत्ता लज्जा अनुभव करता है। उष्टा हसती अग्रे चलती, ऊंट हंसता है और आगे चलता है। ठीक उसी प्रकार मार्गे वक अस्ति, मार्ग में बकुला मिलता है उसको। कौन मिलता है? तो बकुला मिलता है। वक दृष्टवा उष्ठ वदति, बगुले को देखकर ऊंट बोलता है। बका मिस बगुला, दृष्टवा मिस देखकर, उष्टा मिस ऊंट और वदति मिस बोलता है। बगुले को देखकर ऊंट बोलता है, क्या बोलता है? तव ग्रीवा वक्रा अस्ति, तुम्हारी गर्दन टेढ़ी है। तव मिस तुम्हारी, ग्रीवा मिस गर्दन और वक्रा मिस टेढ़ी, अस्ति मिस है, तुम्हारी गर्दन टेढ़ी है। वका उष्टम प्रति पश्यति अपि न, लेकिन बगुला ऊंट के प्रति देखता भी नहीं है। यहाँ पर बगुला ऊंट के प्रति देखता भी नहीं है। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक समझा रही हूँ। इसको वापस एक बार रिपीट करवाऊंगी तो इसके अनुवाद आपको समझ में आ जाएंगे। फिर आप शुरुआत से देखिए, एक उष्ट अस्ति, एक ऊंट है। उष्ट स्वभावे वक्र अस्ति, ऊंट का स्वभाव टेढ़ा है। कैसा है? तो टेढ़ा है। वह सर्वदा दोषम एव पश्यति, वह हमेशा सब में दोष निकालता है। वह हमेशा दोष ही देखता है। क्या करता है? दोष ही देखता है। एकदा सह वने अटति, एक बार वह जंगल में भ्रमण कर रहा था। क्या कर रहा था? तो भ्रमण कर रहा था। एक ऊंट है, उसका स्वभाव टेढ़ा है। वह हमेशा दोष ही देखता है। एक बार वह जंगल में भ्रमण कर रहा था। मार्गे स वृक्षस्य उपरि एकम सुखम पश्यति, मार्ग में वह वृक्ष के ऊपर एक तोते देखा। क्या किया? एक तोते को देखता है। उष्ठ सुकाय कथिति, ऊंट तोते से कहता है। क्या कहता है भाई? हे सुक तव चक्षु वक्रा अस्ति, हे तोते तुम्हारी चोंच टेढ़ी है। क्या है? तुम्हारी चोंच टेढ़ी है। सुक लज्जा अनुभवति, सुक यानी तोता लज्जा अनुभव करता है। उष्ट हसति अग्रे चलति, ऊंट हंसता है और आगे की ओर चल देता है। तो विद्यार्थियों, ऊंट की आदत थी जो दूसरे में खामियां निकालता देखता रहता था, क्योंकि वो तो खुद ही ऊंट में भी खामियां है। गर्दन इतनी लंबी और टेढ़ी है, पीठ ऐसे उठा हुआ है, पूंछ इतनी छोटी है, फिर भी एक दूसरे में से खामियां निकाल रहा है। तो आगे है, मार्गे स कुक्कुरम पश्यति, मार्ग में वह एक कुत्ता देखता है। उष्ट कुक्कुराय कथति, ऊंट कुत्ते से कहता है। क्या कहता है? हे कुक्कुरम मनी, हे कुत्ते, तव पुच्छम वक्रम अस्ति, तुम्हारी पूंछ टेढ़ी है। कुक्कुर लज्जा अनुभवति, कुत्ता लज्जा अनुभव करता है। उष्ट हसति अग्रे चलति, ऊंट हंसता है और आगे चल देता है। आगे है, मार्गे वक अस्ति, मार्ग में बगुला है। क्या है? बगुला मार्ग में आगे चलता है। तो मार्ग में एक बगुला है। वकम दृष्ट्वा उष्ट वदति, बगुले को देखकर ऊंट बोलता है। क्या करता है? बगुले को देखकर ऊंट बोलता है। क्या बोलता है? तव ग्रीवा वक्रा अस्ति, तुम्हारी गर्दन टेढ़ी है। बगुले से ऊंट क्या बोलता है? कि तुम्हारी गर्दन टेढ़ी है। वक उष्टम प्रति पश्यति अपि न, बगुला ऊंट की तरफ देखता भी नहीं है। बगुला ऊंट की तरह देखता भी नहीं है।
तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक समझाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का समझाऊंगी। एक, दो और तीन श्लोक रह जाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। इस वीडियो में आपको इतना ही समझाई, इसका आप हिंदी में अनुवाद जरूर लिख लेना या अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको हिंदी में अनुवाद लिखने को जरूर दिया जाएगा। ऊंट है, उसका स्वभाव टेढ़ा है, वह हमेशा दोष ही देखता है। वह एक बार वह जंगल में भ्रमण कर रहा था, मार्ग में एक वृक्ष के ऊपर उसने एक तोता देखा। वह तोते से कहता है, हे तोते, तुम्हारी चोंच टेढ़ी है। तोता शर्मा यानी लज्जा महसूस करता है। ऊंट हंसता है और आगे चलता है। ऊंट को क्या है, इस पाठ में सिर्फ ऊंट एक दूसरे का दोष निकालता है और दोष निकालकर उसपे हंसता रहता है। मार्ग में एक कुत्ता देखता है, वह कुत्ते से कहता है कि हे कुत्ते, तुम्हारी पूंछ टेढ़ी है। क्या है, तुम्हारी पूंछ टेढ़ी है। कुत्ता लज्जा अनुभव करता है, ऊंट हंसता है और आगे चलता है। फिर मार्ग में एक बगुला है, बगुले को देखकर ऊंट बोलता है, तुम्हारी गर्दन टेढ़ी है। तो बगुला उसके ऊंट के प्रति देखता भी नहीं है। अब आगे है, मार्गे श्रीगाला मिलति, मार्ग में एक सियार मिला उसको। क्या मिला, सियार मिला। पृच्छति, श्रीगाला पृच्छति, सियार पूछता है। क्या पूछता है, हे ऊंट भाई, उष्ट भ्राता कथम अस्ति, हे ऊंट भाई, कैसा है, स्वास्थ्यम समीचीनम वा, स्वास्थ्य ठीक है ना। मार्ग में क्या मिलता है, सियार मिलता है। सियार पूछता है कि ऊंट भाई कैसे हो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है ना। तो फिर ऊंट बोलता है, ऊष्टा वदति, ऊंट बोलता है, स्वास्थ्यम समीचीनम किंतु अन्य किमपि समीचीनम नास्ति, स्वास्थ्य तो ठीक है परंतु दूसरा कुछ भी ठीक नहीं है। क्या कहता है ऊंट कि स्वास्थ्य ठीक है लेकिन दूसरा कुछ ठीक नहीं है। सुकस्य चक्षु वक्रा, कुक्रस्य पुक्षम वक्रम, वकस्य ग्रीवा वक्रा। ऊंट कहता है कि स्वास्थ्य तो ठीक है लेकिन और दूसरा कुछ नहीं ठीक है, क्योंकि सब में दोष निकालते रहते हैं ना। तो तोते की चोंच टेढ़ी है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है और बगुले की गर्दन टेढ़ी है, ऐसा ऊंट बोलता है। आगे है श्री गाला वदति, सियार बोलता है। क्या बोलता है, सुकस्य चक्षु बकरा, तोते की चोंच टेढ़ी है किंतु स मनुष्य वाणी वक्तुम शक्नोति, वह मनुष्य की वाणी बोल सकता है। क्या कर सकता है, तो वह मनुष्य की वाणी बोल सकता है। सियार बोलता है कि तोते की चोंच टेढ़ी है लेकिन वह मनुष्य की वाणी बोल सकता है। कुक्रस्य पुच्छम वक्रम, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी परंतु वह स्वामी भक्त है। क्या है, स्वामी भक्त है, अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। क्या होता है, अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। वकस्य ग्रीवा वक्रा, बगुले की गर्दन टेढ़ी है परंतु तस्य एकाग्रता प्रसलिता, बगुले की गर्दन तो टेढ़ी है लेकिन उसकी एकाग्रता प्रसिद्ध है। बगुला एकाग्र होता है, उसका ध्यान एक तरफ होता है। भवत सर्वाणी अंगानी वक्राणी संति किंतु आपके भी, सियार बोलता है ऊंट से कि आपके भी सभी अंग टेढ़े हैं परंतु भवान मरुभूमियां द्वीपास्ति, लेकिन आप अर प्रदेश के राजा हैं। भवान यानी आप मरुभूमियां
रण प्रदेश के नृपा यानी राजा अश्विनी से, लेकिन आप मरुभूमि के राजा हैं। आपकी तो सारी शरीर टेढ़ी है, लेकिन आप मरुभूमि के राजा हैं। अपिच तेसाम चंचो, अपिच तेसाम चंचो, और भी उसकी और भी उसकी चोंच का, पूंछ का, गर्दन का च प्रयोजनम अस्ति, प्रयोजन का प्रयोजन है, उसका भी कोई उद्देश्य है। निरर्थक नास्ति, ऐसा एक भी भूल नहीं है, यानी निरर्थक नहीं है। आमंत्र मच्छरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्य दुर्बलभा। विद्यार्थियों, मंत्र न हो ऐसा एक भी अक्षर नहीं है, औषधि न हो ऐसा एक भी भूल नहीं है, अयोग्य हो अयोग्य हो ऐसा एक भी पुरुष नहीं है, उस विषय में योजक दुर्लभ ही होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो विद्यार्थियों मैं आपको यहाँ से एक बार फिर से समझाती हूँ, आप ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें जो ये लाइन दिया हुआ है थोड़ी हार्ड है, टफ है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं दूसरी बार समझाऊंगी तो जरूर समझ में आएगा। मार्ग में सियार मिलता है, सियार पूछता है ऊंट भाई कथम उष्ट भ्राता कथम अस्ति, ऊंट भाई आप कैसे हो, स्वास्थ्य ठीक है ना, ऐसा पूछता है सियार। तो उष्ट बोलता है, ऊंट बोलता है कि स्वास्थ्यम समीचीनम किंतु अन्य किमप समीचीनम नास्ति, स्वास्थ्य तो ठीक है परंतु और कुछ भी ठीक नहीं है। सुखस्य चक्षु वक्रा, तोते की चोंच टेढ़ी, कुकरस्य पुच्छम वक्रम, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी, वकस्य ग्रीवा वक्रा, बगुले की गर्दन टेढ़ी। तो श्री गाना वदति, सियार बोलता है सुखस्य चक्षु वक्रा किंतु स मनुष्यवाणी वक्तुम शक्नोति, तोते की चोंच टेढ़ी है परंतु वह मनुष्य की वाणी बोल सकता है। कुकरस्य पुच्छम वक्रम, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है परंतु वह स्वामी भक्त है, क्या है, वो अपने स्वामी के प्रति वफादार है, वफादार होता है। वकस्य ग्रीवा वक्रा किंतु, बगुले की गर्दन टेढ़ी है परंतु उसकी एकाग्रता प्रचलित है या प्रसिद्ध है, समझ में आया, उसकी एकाग्रता प्रचलित है। भवता सर्वाणी अंगानी वक्राणी संति किंतु भवान मरुभूम्या नृप अस्ति, आपके सभी अंग टेढ़े हैं। श्री सियार ऊंट से कहता है कि आपके तो सभी अंग टेढ़े हैं परंतु आप रण प्रदेश के राजा हैं। कहाँ के राजा हैं? राजस्थान के राजा हैं, मरुभूमि राजस्थान को ही कहा जाता है, रण प्रदेश मरुभूमि जहाँ रेती जाते हैं। भगवान मरुभूमिया नृप अस्ति, लेकिन आप राजस्थान के राजा कहलाते हैं। अपिच तेसाम चक्षु, क्या बोलते हैं, आपकी और भी उनकी चोंच का, और भी उनकी चोंच का, पूंछ का, गर्दन का प्रयोजन है, उद्देश्य है, निरर्थक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनकी गर्दन टेढ़ी है तो निरर्थक है, और कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है तो वो निरर्थक है, या तोते की चोंच टेढ़ी है तो वो निरर्थक है। तो ठीक उसी प्रकार मंत्र न हो ऐसा एक भी अक्षर नहीं है। आमंत्रम अक्षरम अक्षरम नास्ति, मंत्र न हो ऐसा एक भी अक्षर नहीं है। नास्ति मूल मनौषधम, औषध न हो ऐसा एक भी भूल नहीं है। अयोग्य पुरुषो नास्ति, अयोग्य पुरुष हो
ऐसा कोई पुरुष नहीं है कि बिना, सब योग्य ही है। बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो अयोग्य भी हैं। योजकस्त दुर्लभ, उस विषय में योजक दुर्लभ ही होता है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक समझा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इस स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर और टिप्पणी भी समझाऊंगी। आप इसका हिंदी में अनुवाद अपनी नोट में जरूर लिखना, क्योंकि एग्जाम में अनुवाद लिखने को आता है। और इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार इसके अर्थ समझाती हूँ, हिंदी में अनुवाद समझाती हूँ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो विद्यार्थियों, आप इसको अपने नोट में लिखना। आप वक्र यानी टेढ़ा या विचित्र, अटत यानी भ्रमण करता है या घूमता है, चक्षु यानी चोट, ग्रीवा यानी गर्दन, समीचीन में स्वास्थ्य ठीक है, अच्छा है, ये पूछा है। अन्यत यानी अन्य दूसरा, मरुभूमि यानी रेगिस्तान, नृप यानी राजा, प्रयोजनम यानी हेतु या उद्देश्य, योजक यानी जोड़ने वाला या योजना करने वाला। अब आगे है, नीचे दिए गए शब्दों का उच्च स्वर में उच्चारण करना है। उष्ट भ्रात, वक्र, चक्षु, लज्जा, पुच्छम, दृष्टवा, स्वास्थ्यम, ग्रीवा, सक्नोति, स्वामी भक्त, आमंत्रमक्षरम, मूल मनौषधम, योजक अस्त्र। इसको आपको उच्च स्वर में सिर्फ पढ़ना है और नोट में लिखना है। आगे है, पाठ पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। विद्यार्थियों, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। मैं आपको इस प्रश्नों का उत्तर मैं पढ़ाते समय ही बता दी थी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उष्ट स्वभावेन की दृशम अस्थि, ऊंट का स्वभाव कैसा है। तो इसमें हम पहले का आंसर लिखेंगे कि उष्ट स्वभावेन वक्रा अस्थि, उष्ट उष्ट स्वभावेन वक्रा अस्थि। पहले का आंसर हमारा ये होगा। अब दूसरे का हम आंसर देखते हैं कि उष्ट वृक्ष से ऊपरी कम पश्यति, ऊंट वृक्ष के ऊपर क्या देखा। तो हमारा आंसर होगा कि उष्ट वृक्षस्य ऊपरी सुक पश्यति। क्या आंसर होगा? सुकम, सुकम पश्यति। तो कम की जगह पे सुकम लिख देंगे तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। उष्ट वृक्ष से ऊपरी सुकम पश्यति, उष्ट स्वभावेन वक्रा अस्ति। तीसरे नंबर का प्रश्न है कि उष्ट सुकम किम कथयति, ऊंट तोते से क्या कहता है। तो ऊंट तोते से ये कहता है कि तुम्हारी चोंच टेढ़ी है। क्या है? तुम्हारी चोंच टेढ़ी है। इसका आंसर ये होगा कि उष्ट सुकाय कथ्यति, उष्ट सुकाय कथ्यति, हे सुकम तव चक्षु वक्रा अस्ति, तव चक्षु वक्रा अस्ति। चौथे नंबर का है कि कस्य पुच्छम वक्रम अस्ति, किसकी पूछ टेढ़ी है। तो हमारा आंसर होगा कि कुकुरस्य पुच्छम वक्रम अस्ति, कुकुरस्य पुच्छम वक्रम अस्ति। पांचवे नंबर का है, क मनुष्यवाणी वस्तुम शक्नोति कस्य ग्रीवा वक्रम, कौन मनुष्य की वाणी बोल सकता है और किसकी गर्दन टेढ़ी है। तो हमारा आंसर होगा कि सुकम मनुष्यवाणी वस्तुम शक्नोति और वका ग्रीवा वक्रा, वका यानी बगुले, वका
ग्रीवा वक्रा। क्वेश्चन नंबर 6, कौन मरुभूमिया नृप अस्ति, कौन मरुभूमि का राजा है? तो हमारा आंसर होगा यहाँ क की जगह पे उष्ट मरुभूमिया नृप अस्ति, हमारा आंसर हो जाएगा उष्ट मरुभूमिया नृप अस्ति। सातवें नंबर का क्वेश्चन है कि कस्य स्वामी भक्ति प्रचलिता, कौन स्वामी भक्त में प्रचलित है, किस कौन अपने स्वामी के प्रति वफादार होता है? तो कुकुरस्य स्वामी भक्ति प्रचलिता, हमारा आंसर होगा कि कुकुरस्य स्वामी भक्ति प्रचलिता। बस अब आगे है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विधानों के सामने कि खाने में पाठ के आधार पर यदि सही हो तो आम और गलत हो तो न लिखना है आपको, क्या लिखना है? सही है तो हाँ, गलत हो तो नहीं लिखना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुख स्वभाविन वक्र अस्ति, सुख स्वभाविन वक्र अस्ति, तोते का स्वभाव टेढ़ा है तो न, उष्ट स्वभाविन वक्र अस्ति, ऊंट का स्वभाव टेढ़ा है। आगे है सुख से चक्षु वक्र अस्ति, तोते की चोंच टेढ़ी है तो हाँ, हाँ के लिए हम क्या लिखेंगे? आम। वका मनुष्य वाणी वक्तुं शक्नोति, बगुला मनुष्य की वाणी बोल सकता है तो न, नहीं सुख बोल सकता है, तोता बोलता है। सुख से एकाग्रता प्रचलिता अस्ति, तोते की एकाग्रता प्रचलित है तो न, नहीं सुख की नहीं है, बगुले की एकाग्रता प्रचलित है। पांचवा है उष्ट मरुभूमि नृप अस्ति, ऊंट मरुभूमि का राजा है तो हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? आम, हाँ मरुभूमि का राजा है। कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके उचित वाक्य बनाना है आपको। जैसे पहले दिया हुआ है कि उष्ट बने अटति, क्या दिया हुआ है? उष्ट बने अटति, तो आपको इसमें से खोज के इस वाक्य को पूरा करना है। जैसा कि मैंने कल छठी क्लास में ऐसा बताया था आपके में, देखिए उष्ट बने अटति, इससे इसको हमने जोड़ दिया, समझ में आया? ठीक उसी प्रकार सुख के साथ हम क्या जोड़ेंगे? तो सुख जलम पीवती, सुख जलम पीवती, समझ में आया? अहम मोदकम खादामि, अहम मोदकम खादामि, किसन पुस्तकम पठति, किसन पुस्तकम पठति। अब बचा सिर्फ एक, माला लज्जाम अनुभवति, माला को लज्जाम से और लज्जाम को अनुभवति से क्रॉस कर देंगे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे है उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाना है। जैसे विराजा कृष किंतु शक्तिमान अस्ति, तो वैसे ही लिखना है कि अमिता शिशु निर्भया, अमिता शिशु किंतु निर्भया अस्ति, किंतु निर्भया अस्ति, निर्भया अस्ति, ये निर्भया तो होगा पर यहाँ अस्ति भी लिखना है। ठीक वैसे एक नीम वृक्ष तीखा, नीम का पेड़ तीखा होता है किंतु गुणकारी अस्ति, क्या लिखेंगे? किंतु गुणकारी अस्ति। रुग्णालय लघु,
किंतु स्वच्छ अस्ति, स्वच्छ किंतु स्वच्छ अस्ति, आगे पर्वत दूरत किंतु रमणीय अस्ति, किंतु रमणीय अस्ति, कोकिला कृष्ण किंतु मधुभाषी अस्ति, किंतु मधुभाषी अस्ति। तो आपको ये इस प्रकार से लिख के ये भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर 6 है, उदाहरण के अनुसार विधान बताइए। ऐसा बका, ऐसा बका तस्य एकाग्रता प्रसलिता, एक बगुला है उसकी एकाग्रता प्रसलित है। ठीक उसी प्रकार ऐसा सुख, ऐसा सुख तस्य मनुष्य वाचा प्रसलिता, तस्य मनुष्य वाचा प्रसलिता। आगे ऐसा कुकुरा तस्य स्वामी भक्ति प्रसलिता, सह राष्ट्रपिता तस्य संकल्प शक्ति प्रसलिता, सह शिक्षिका तस्य कार्य निष्ठा प्रसलिता, छात्रालय तस्य व्यवस्था प्रसलिता। तो हम इसको इस प्रकार से भर देंगे। पहला है ऐसा कुकुरा तस्य स्वामी भक्ति प्रसलिता, सह राष्ट्रपिता संकल्प तस्य संकल्प प्रसलिता, सह शिक्षक तस्य कार्य निष्ठा प्रसलिता, छात्रालय तस्य व्यवस्था प्रसलिता। इस प्रकार से ये पाठ यही पूरा होता है और आप इसको ध्यान से समझ के अपनी नोट में इस प्रश्नों का उत्तर लिख लेना।